हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे साइन एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हम टी एज्यूम कर लेते हैं। इसे एज्यूम इसलिए करते हैं ऐसा कि इसका हम अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो ऊपर दिया हुआ है वो ही आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसमें किस तरीके से करना है। एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी हमने एज्यूम कर लिया है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें डबल पार्ट से, पहला फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लाकर, तो एक्स ऐसे ही रहेगा और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, प्लस फिर सेकंड वाला साइन एक्स ऐसे ही रहेगा और एक्स का हो जाएगा वन। वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनटू हो जाता है वो, प्लस कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इसके साथ में डी एक्स रहता है और ये हो जाएगा इक्वल टू डी टी। अभी इसको हम साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हम देख सकते हैं ये वही आ गया जो ऊपर दिया हुआ है। बस आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स कॉस एक्स और यही आ गया एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और जो नीचे दिया हुआ है उसे हम टी एम मान चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पर ऊपर तो वन ही रहेगा, तो वन के साथ डी टी अपॉन ये हो जाएगा टी, हमने इसको टी माना हुआ है तो टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है इसको। अब हम इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वन पॉइंट टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है हमें। वन पॉइंट टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये होता है माइनस वन अपॉन टी हो जाएगा। वन पॉइंट टी स्क्वायर का माइनस वन पॉइंट टी होता है प्लस सी, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। टी की पावर माइनस टू हो जाएगा ऊपर टी, वन पॉइंट टी स्क्वायर का ऊपर ले जाएंगे, टी की पावर माइनस टू हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं ना। टी की पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन अपन माइनस टू प्लस वन हो जाएगा। टी की पावर माइनस वन अपन माइनस वन, टी की पावर माइनस वन को लिख सकते हैं वन पॉइंट टी, और माइनस वन का माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका इंटीग्रेशन किया है और अब हम इसे यहाँ पर लिख देंगे और टी की वैल्यू जो हमने एज्यूम की हुई थी वो वापस रख देंगे यहीं पर, टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा क्या आएगा हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसको हम लिख देते हैं प्लस सी, ये इसका आंसर है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।